फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रिक्स फॉर एवर। ये इस चैनल का नया नाम है, पुराना नाम मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी कॉमन था। और मेरा नाम है अंजलि। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वैदिक कल्चर देखा था, इस वीडियो में हम वैदिक ट्रेडिशन देखेंगे। इस सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन? 600 BC टू 600 AD। द ट्रिक इज वेद एक लड़का है जो जिसका आदत बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है कि उसको 600 पॉकेट मनी चाहिए ही चाहिए। तो वैदिक ट्रेडिशन का टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD। इस लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन स्मृति और श्रुति टेक्स्ट। देखिए, वैदिक कल्चर का जो था लिटरेचर वो श्रुति था। ठीक है, वॉइस टू वॉइस, ठीक है, सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हुआ था। लेकिन वैदिक ट्रेडिशन का जो टेक्स्ट है वो स्मृति है, वो सब याद रखे हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो वेद एक लड़का है, ठीक है, उसका एक और गंदा आदत बन गया है कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता। सो कुछ भी बोलो उसके स्मृति में कुछ रहता ही नहीं है, सब भूल जाता है, बहुत गंदा बच्चा बन गया। तो वैदिक ट्रेडिशन इज अ स्मृति टेक्स्ट। व्हाट आर द सिक्स लिटररी वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन? तो क्या है वो छह लिटररी वर्क्स? सबसे खास लिटरेचर वो है वेदांगा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्यस, पुराणस, उपवेदा, षड दर्शनास। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, VMPUSS, वेरी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का ही हटा दीजिए, इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है, टू हटा दीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस। वी से वेदांगस, महाकाव्यस, पुराणस, उपवेदस, स्मृति, धर्म शास्त्र एंड षट दर्शनस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दी सिक्स लिटररी वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, वेदांगस छः हैं, वेद चार है, वेदांगस थोड़ा लंबा हो गया तो इसमें छः है। ठीक है, स्मृति, धर्म शास्त्र छः, कुछ भी स्मृति में नहीं रहे छः, तो स्मृति, धर्म शास्त्र छः है नंबर में। महाकाव्य दो ही है, ठीक है, रामायण एंड महाभारत, दैट्स इट। पुराणस आर 18 एंड नंबर। ठीक है, आपको इसको भी एक ट्रिक बता देता आपको। पुराना उरना हटा दीजिए, उड़ना, कब उड़ने लगते हैं? आफ्टर द एज ऑफ 18। ठीक है, उपवेदस, वेद चार है नंबर में, तो हर वेद का एक उपवेद है, तो उपवेद भी चार है नंबर में। षड दर्शनास, ठीक है, षड का मतलब ये होता है छड दर्शनास और सिक्स नंबर। विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स? प्रतिसंख्या, फोन। तो प्रति व्यक्ति के पास आजकल क्या है? फोन है, फोनेटिक्स फोन है, प्रति व्यक्ति के पास फोन है, प्रति व्यक्ति के पास। तो फोनेटिक्स में ओल्डेस्ट टेक्स्ट है प्रति संख्या। व्हाट डू यू मीन बाय शुल्व सूत्र? देखिए, शुल्व को सॉल्व कर सकते हैं, शुल्व सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कैसे होता है कोई भी प्रॉब्लम? या तो कोई सॉल्यूशन निकल जाए या फिर सैक्रिफाइस कर दो। तो शुल्व सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को सैक्रिफाइस कर दो, तो शुल्व सूत्र मीन्स सैक्रिफाइस। Which is the oldest grammar of the world? अष्ट अध्याय, अमर। तो कौन अमर रहेगा? जो कभी ऐश में टर्न नहीं होगा। ठीक है, कौन अमर रहेगा? अमर जो ऐश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अमर से ऐश याद रखिएगा, अमर रहेगा क्योंकि ऐश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो oldest grammar is अष्ट अध्याय। रूट अष्ट अध्याय पाणिनी, इसको कैसे याद रखेंगे? ये यहां से यहां तक पढ़िए, आस्था पहले, ए के पहले लगा दीजिए एन, नाश्ता, और नाश्ता के बाद क्या पीते हैं हम लोग? पानी। तो पाणिनी, आस्था, नाश्ता, नाश्ता के बाद पानी, पाणिनी। विच इज द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड? निघंटू, इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप बोल सकते हैं घंटा वर्ड कलेक्शन है, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है, घंटा, घंटू, तो ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन है निघंटू। विच इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड? निरुक्ता,
तो डिक्शनरी से क्या होता है, हम कुछ भी रीड कर रहे होते हैं, अटक जाते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो डिक्शनरी में जाकर ढूंढ लेते हैं, हमारा काम नहीं रुकता। तो डिक्शनरी से हमारा काम, हमारा रीडिंग नहीं रुकता, इसको नहीं रुकता पढ़ सकते, डिक्शनरी से हमारा रीडिंग नहीं रुकता। तो ओल्डेस्ट डिक्शनरी इज नहीं रुकता, नहीं रुकता। विच इज द फेमस टेक्स्ट ऑन मेट्रिक्स, फेमस टेक्स्ट इज छंदा सूत्रज, ठीक है, एंड इसको पिंगल लिखे हैं, ट्रिक से याद रखेंगे। मेट, इसको मेट पर ही पढ़ सकते हैं, मेट, तो ही मेट अ चांद, चांद जैसी लड़की, मेट मेट अ चांद जैसी लड़की, तो चांद से छंदा सूत्रज याद रखेंगे। और छंदा सूत्रज किसने लिखा था, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं छान पीन, छानबीन, छानबीन करते हैं केस का सीआईडी में, छान पीन पिंगल। विच इज द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट इज वेदांग ज्योतिष, तो ज्योति वेद, ऐसे पढ़ी अंगत, अंग अंगत, ज्योति वेद अंगत, वेद अंग वेदांग, ठीक है। ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट इज वेदांग ज्योतिष, ज्योति वेद अंगत वेदांग, एंड वेदांग ज्योतिष वॉज रिटन बाय लगद मुनि, लगद मुनि ने लिखा था वेदांग ज्योतिष, तो यू विल रिमेम्बर ज्योतिष मुनि, ज्योतिष के बाद ऑटोमेटिकली कौन सा वर्ड आता है, मुनि, ज्योतिष मुनि, किसी से कुछ जार बुक करवाना हो तो ज्योतिष मुनि के पास जाओ, तो ज्योतिष मुनि, तो लगद मुनि ने लिखा था ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट वेदांग ज्योतिष। विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट, तो कौन सा स्मृति ओल्डेस्ट हो जाता है, जो हमारे मन में हमेशा के लिए छप जाता है ना, तो ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट इज मनुस्मृति, जो मन में स्मृति छप जाए वो हमेशा रहेगा, ओल्डेस्ट टाइम तक रहेगा, तो ओल्डेस्ट स्मृति इज मनुस्मृति। विच इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, रामायण, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, राम एपिक, तो ओल्डेस्ट एपिक, एपिक पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन थे, राम जी थे, मतलब बहुत महान इंसान थे वो, ओल्डेस्ट पर्सनालिटी एंड एपिक पर्सनालिटी, ठीक है, और वो बहुत पुराने जमाने से हम उन्हें जान रहे हैं, इसीलिए ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एपिक पर्सनालिटी इज राम, ठीक है, तो ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज रामायण। विच एपिक इज ऑल्सो नोन एज आदि काव्य, तो दो ही काव्य है, ठीक है, एक रामायण है एक महाभारत, तो अब इसमें से आदि कौन है, आदि काव्य कौन है, रामायण, क्यों, क्योंकि राम जी क्या थे, सबसे पुराने जमाने से थे, आदि जमाने से, ठीक है, इसीलिए तो रामायण ही है आदि काव्य, ठीक है, रामायण को आदि काव्य भी बोलते हैं। हु रोट रामायण, वाल्मीकि, तो राम के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड बाम, बान, राम बाण, तो ये यहाँ से एम तक आप बाम पढ़ सकते हैं, राम बाण या बाम, ठीक है, तो रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, राम बाम, बाम वाल्मीकि। हाउ मेनी श्लोक्स आर देयर इन रामायण एट प्रेजेंट, 24,000 श्लोक्स आर देयर, तो ऐसे याद रखेंगे रामायण, तो ऐसे याद रख सकते हैं राम जी 24 के एज में वनवास को गए, राम जी 24 के एज में वनवास को गए, इसीलिए इसमें क्या है, रामायण में 24,000 श्लोक्स हैं। एंड विच इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, महाभारत, दो एपिक ही है, एक रामायण एक महाभारत, ओल्डेस्ट तो राम जी वाला हो गया रामायण, तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, महाभारत। हु रोट महाभारत, वेद व्यास, महादेव, ठीक है, महा के बाद पढ़ लीजिए देव, महादेव, और देव को पीछे से पढ़िए तो क्या हो जाएगा, वेद, है ना, देव का वेद, तो महादेव या वेद, वेद व्यास। भगवद गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच परवान ऑफ महाभारत, ठीक है, परवान का मतलब हो गया चैप्टर, महाभारत चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो भीष्म परवान से भगवद गीता को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है, कैसे याद रखेंगे, भाग, ठीक है, भाग जाता है किसको देखकर, भीम, इसको भीम पढ़ सकते हैं, ऐसा हटा दीजिए, भीम, भीम बहुत हट्टा कट्टा था तो उसको देख के सब भाग जाता था, तो भाग जाते हैं भीम को देख के, भगवद गीता भीष्म पुराण। विच इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट, मत्स्य पुराण,
ओल्डेस्ट, पुराना, देखो पुराना पुराने से आप पढ़ सकते हैं पुराना, तो पुराना कपड़ा कब नहीं पहनना चाहिए पूजा में, पुराना मत, ठीक है, इमिटी मत, पुराना मत पहनो पूजा के लिए, पुरानिक पुराना मत पहनो पूजा के लिए, मतलब पुराने इज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट पर्वान ऑफ महाभारत चैप्टर, महाभारत यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बरात, बरात किसकी आई, शांति की आई, शांति की बरात आई, इस तरह भी याद रख सकते हैं, महाभारत के बाद बहुत शांति आया था, सब दुष्ट जितने भी बुरे लोग थे सब मर गए थे, तो महाभारत के बाद बहुत शांति आया था, सो दैट इज द लार्जेस्ट चैप्टर। हाउ मेनी श्लोक्स आर देयर इन महाभारत एट प्रेजेंट, 100,000 श्लोक है एट प्रेजेंट, तो महान, महान व्यक्ति क्या होता है, एक नंबर होता है, होता है ना, महान व्यक्ति एक नंबर होता है, इसीलिए एक नंबर मतलब 100,000। अब कुछ उपवेदास देखते हैं, हर वेद का एक उपवेद है, इसको ट्रिक से याद करते हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद तो ऑब्वियसली मेडिसिन आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, और मेडिसिन कौन लेता है, रोग, जिसको रोग हो, रोग से ऋग आई हटा के ओ कर दीजिए, रोग, गंधर्व वेद, गन, गन गाना, गाना म्यूजिक, और समा सा श्याम दीवानी है, समा ये भी एक गाना है, लिरिक्स समझ सकते हैं इसको, तो गंधर्व वेद, समावेद का उपवेद है गंधर्व वेद, धनुर्वेद आर्चरी, ठीक है, धनुर्विद्या पुराने जमाने में कैसे मिला करता था, पूजा करके यज्ञ करके प्रैक्टिस वॉज देयर, लेकिन जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ और भी बहुत तरह का जो अस्त्र वो पूजा करके ही मिलता था, तो आर्चरी धनुर्विद्या यज्ञ करके मिलता था, शिल्प वेद या फिर अर्थवेद, अर्थ मतलब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, बस अर्थ का अथर्व, ठीक है, अर्थ का अथर्व हो गया, तो अथर्ववेद से कौन सा वेद रिलेटेड है, उपवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद का अर्थवेद। चलिए अब देखते हैं आपको याद हुआ है या नहीं, आप खुद को आंसर कीजिए इसको, हु रोट अष्ट अध्याय, तो आस्था, नास्ता, नास्ता के बाद पानी, पानी नहीं, हु रोट महाभारत, बताइए आप लोग, पॉज कीजिए, वेद व्यास, ठीक है, महादेव, महावेद, ठीक है, वेद, महावेद, महादेव, वेद व्यास, विच इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एपिक कौन सा हो जाएगा, रामायण, ओल्डेस्ट एपिक पर्सनैलिटी इज राम भगवान जी, हु रोट रामायण, राम, बाम, वाम, वाल्मीकि, विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, फोन आजकल क्या है सबके पास, प्रति व्यक्ति के पास है, तो प्रति संख्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।